भारतीय सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपने उस दौर से गुजर रहे हैं जिसका इंतजार क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों को रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खिलाड़ी का आभूषण कही जाने वाले उस फॉर्म के बारे में जो किसी को रन मशीन तो किसी को मास्टर ब्लास्टर कहने पर मजबूर कर देती है। आज सूर्य कुमार यादव का बल्ला इतना चल रहा है जिसकी गूंज ऑस्ट्रेलिया की BBL तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य द्वारा बनाए गए ऐसे रिकॉर्ड जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हिलाकर रख दिया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य और रिजवान में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। एक कैलेंडर ईयर में T20 में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के नाम है। रिजवान ने साल 2021 में 134 की स्ट्राइक रेट और 73 की औसत से 1326 रन बनाए हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अब तक खेले गए 29 T20 मैचों में 1040 रन बनाए हैं, जो रिजवान से अभी 286 रन दूर हैं। सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाजों में से एक है। सूर्य ने साल 2022 में अब तक 29 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1040 रन बनाए हैं। इसके अलावा सूर्या का एवरेज स्ट्राइक रेट 177 का रहा है, जो एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर बात की जाए साल 2022 में सबसे ज्यादा रनों की तो सूर्या नंबर वन पर काबिज हैं, जबकि साल 2022 में दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान रहे हैं जिन्होंने 25 पारियों में 996 रन बनाए हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर रन मशीन विराट कोहली हैं जिन्होंने केवल 20 T20 मैचों में 781 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एक अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी भी लगाई है। सूर्य कुमार यादव भी के खिलाफ पहले T20 में शतक लगा चुके हैं जिसमें सूर्या ने 51 गेंदों में 111 रन बनाए थे। यह सूर्या का आखिरी T20 था क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।